भारत बेहद तेज इंटरनेट युग में एंट्री करने को तैयार है। 5G सेवा लॉन्च होने के साथ ही अलग अलग प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां लोगों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने की रेस में एक दूसरे से कम्पीट कर रही हैं। 1 अक्टूबर को 5G सर्विस लॉन्च होने के बाद देश की दो सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल अपनी 5G सर्विसेज भारत के कई शहरों में पहुंचा चुकी है। इस रेस में जल्द सरकारी कंपनी BSNL का नाम भी शामिल होने वाला है। इतना ही नहीं, इसकी स्पीड ऐसी होगी कि क्या जियो क्या एयरटेल सब फेल हो जाएंगे। लेकिन जो अभी अगले महीने 4G सेवाओं की शुरुआत करने की प्लानिंग ही कर रहा है, उसको ऐसा क्या हाथ लग गया है जो ये कमाल करेगा, जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिस्तर। दरअसल भारत सरकार की दूर संचार विभाग BSNL को 62,000 करोड़ रुपए का 5G स्पेक्ट्रम अलॉट करने वाला है, जो इस साल की शुरुआत में सरकार के जरिए दी गई 1,64,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज से एक्स्ट्रा होगी। इसके अलावा सरकार BSNL को 700 MHz और 3.3 MHz के एयरवेज अलॉट करने की भी योजना बना रही है। वहीं 700 MHz बैंड के जरिए 5G सेवाओं की पेशकश करने वाला BSNL देश का दूसरा टेलीकॉम ऑपरेटर बन जाएगा। बता दें, अभी 700 MHz बैंड केवल जियो के पास है। रिपोर्ट्स के मुताबिक BSNL को 700 MHz बैंड में 10 MHz करीब 40,000 करोड़ रुपए और 70 MHz 3.60 से 3.67 GHz बैंड में करीब 22,000 करोड़ रुपए मिलेंगे और इसके लिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने मंजूरी भी दे दी है। वहीं चर्चा यह भी है कि इसे आगे बढ़ाया जाएगा। इस स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट के साथ BSNL अच्छी 5G सेवाएं दे सकेगी। इसके साथ ही सब गीगाहर्ट्ज बैंड ग्रामीण इलाकों में 5G सर्विसेज की पेशकश करने में टेलको की विशेष रूप से मदद करेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 700 MHz में 10 MHz स्पेक्ट्रम एयरटेल के लिए काफी है, क्योंकि ये ग्रामीण इलाकों में 5G सेवा देती है और इसके लिए जरूरी है। वहीं रिलायंस जियो ने पूरे देश में 700 MHz बैंड में 10 MHz स्पेक्ट्रम हासिल करने के लिए 39,270 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसके बाद BSNL को देने के लिए सरकार के पास 700 MHz बैंड में पर्याप्त स्पेक्ट्रम होने वाला है। भारतीय एयरटेल ने भी कहा है कि वो फ्यूचर में बिड में 700 MHz स्पेक्ट्रम के लिए नहीं बोली लगाएगी। बता दें, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नेतृत्व वाली कंसोर्टियम की मदद से BSNL जल्द ही भारत में 4G सेवाएं शुरू करने जा रहा है, जिसमें तेजस नेटवर्क्स और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस शामिल है। वहीं BSNL के 5G के 2023 के अगस्त में लॉन्च होने की उम्मीद है। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बिजनेस की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिजनेस।